और वक्फ बिल के लिए हिंदुस्तान की तमाम चीजें तो बेच चुके हैं, अब उनकी नजर वक्फ पर आई है, उसे भी बेचना चाहते हैं। तो इन तमाम चीजों की मुखालफत के लिए हमने ये तय किया है कि हम दिल्ली में इंशाल्लाह बहुत जल्द धरना करने जा रहे हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इंशाल्लाह हमारा ये धरना जारी है। अपने मुल्क के मफाद में काम करना चाहिए, किसी की मुखालफत हमारी नरेंद्र मोदी से हमारी नाराजगी इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है, बल्कि नाराजगी इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अपने देश प्रेम की भावना की वजह से नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते और हम ये चाहते हैं कि उनका इस्तीफा होना। वो जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने मुल्क का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं, वो देश प्रेमी नहीं हो सकते। और आजादी से पहले देखिए आप, वो कभी देश प्रेम का काम उन्होंने नहीं किया, देश की आजादी में उनका कोई रोल नहीं रहा, तिरंगे से कभी उन्होंने मोहब्बत नहीं की। ऐसे लोग हमारे देश के लिए बेहद घातक हैं। और बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस जैसे संगठन, इन देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। जी मौलाना, आज आपकी औरंगाबाद शहर में आना हुआ है, आप शहरवासियों के लिए और वतनवासियों के लिए क्या मैसेज दें? मैं आज जहाँ जो मीटिंग रखी गई उसमें मदू किया गया था, शिरकत हुई, और मुल्क के जो हालात हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए मुल्क का कितना नुकसान किया जा रहा है इसका उन लोगों को अंदाजा नहीं है। तो इन तमाम चीजों पर गौर किया गया, आने वाले चुनाव के सिलसिले में गुफ्तगू की गई। हम अमन पसंद लोग हैं, हर किस्म की तकलीफ अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए बर्दाश्त करने को तैयार रहते हैं, और हमने आज तक किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तकलीफें बर्दाश्त की, बेइज्जतियां बर्दाश्त की, लिंचिंग बर्दाश्त की, लेकिन रिएक्शन ना देने को बुजदिली ना समझा जाए, बल्कि हमारी वतन परस्ती और अपने जो देश प्रेम है उसके जज्बे की वजह से हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अगर सड़कों पर आए, जो हम नहीं चाहते, हुकूमत हिंद खास तौर से इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है, और हम एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। खास तौर से मैं उसी के लिए यहाँ भी आया था, उसी के लिए और जगहों पे भी जा रहा हूँ, कल हैदराबाद में था। एक मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं कि ये तमाम जो जुल्म और सितम हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, बेइज्जतियां की जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो बेटी बचाओ वाले, अगर मुसलमान बेटी है तो वो बेटी नहीं है। तो इन तमाम चीजों के लिए, इन तमाम जुल्म सितम के लिए और वक्फ बिल के लिए हिंदुस्तान की तमाम चीजें तो बेच चुके हैं, अब उनकी नजर वक्फ पर आई है, उसे भी बेचना चाहते हैं। तो इन तमाम चीजों की मुखालफत के लिए हमने ये तय किया है कि हम दिल्ली में इंशाल्लाह बहुत जल्द धरना करने जा रहे हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इंशाल्लाह हमारा ये धरना जारी है। मुसलमानों के मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या? मैंने वही अर्ज किया कि जो कुछ हो रहा है, बीजेपी के अलावा बाकी तमाम सेक्युलरिस्टों की जिम्मेदारी है वो बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस वक्त हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, ये तमाम हमारा इस्तेमाल करते हैं,
हमें अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी है, अपने मुल्क और अपनी मिल्लत के लिए मफाद में काम करना है। जो नुमाइंदे चुन कर दिए वो लोकसभा में आवाज नहीं उठा रहे मुसलमानों की, क्या नहीं उठाएंगे? ये जब तक मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता रहेगा, मुसलमानों को ये चाहिए कि सोच मुस्बत होनी चाहिए, मनफी सोच को तर्क करना चाहिए और हमें अपने मुल्क के मफाद में काम करना चाहिए। किसी की मुखालफत, हमारे नरेंद्र मोदी से हमारी नाराजगी इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है, बल्कि नाराजगी इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अपने देश प्रेम की भावना की वजह से नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते और हम ये चाहते हैं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। औरंगाबाद शहरवासियों के लिए, अमन के लिए क्या पैगाम? मैं अमन के पैगाम के लिए आया हूं और यहां के मुसलमानों ने खास तौर से अमन का पैगाम दिया है। एक गैर मारूफ शख्स ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, हुकूमत उसकी सरपरस्ती कर रही है। मैं कहता हूं कि कौन सा कानून है? मुसलमान के लिए दूसरा कानून है, इन लोगों के लिए दूसरा कानून है। उसको जेल में अभी तक नहीं डाला गया, बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं। कार्रवाई की जानी चाहिए और मुसलमानों ने अमन का सबूत दिया है कि उसके खिलाफ एक्शन खुद लेना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत बेईमानों की है और वो बेईमानी कर रहे हैं। और ऐसा शख्स जो हमारे औरंगाबाद में खासतौर से जो फसाद कराना चाहता था, उसकी इस कोशिश को नाकाम किया है यहाँ के मुसलमानों ने, ताकि अमन बना रहे। लेकिन जो गुस्ताखी की है, हम हुकूमत से मांग करते हैं कि अभी भी वक्त है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और अगर मुसलमान सड़कों पर आ गए तो आपको इसका जवाब देना मुश्किल है। साहब, आपसे आखिरी सवाल, बहुत कल इम्तियाज जलील साहब रैली लेके जा रहे हैं मुंबई गुस्सा के रसूल के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे आप? कल इम्तियाज जलील साहब रैली लेके जा रहे हैं तिरंगा रैली। मैं तमाम हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले तमाम लोगों से, महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं खासतौर से, उनकी बात मैं नहीं करता। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के दलित ओबीसी जिस कदर परेशानी में, तकलीफ में, जिल्लतों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है, उसके लिए तिरंगा यात्रा दिल्ली तक होनी चाहिए और दिल्ली में ही बैठकर बात होनी चाहिए। सर, आरएसएस की वजह से देश को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? आरएसएस की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है, नरेंद्र मोदी की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है, ये हमारे सोचने से ज्यादा आम हिंदू को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। वो जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने मुल्क का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं, वो देश प्रेमी नहीं हो सकते। और आजादी से पहले देखिए आप, वो कभी देश प्रेम का काम उन्होंने नहीं किया, देश की आजादी में उनका कोई रोल नहीं रहा, तिरंगे से कभी उन्होंने मोहब्बत नहीं की। ऐसे लोग हमारे देश के लिए बेहद घातक हैं। और बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस जैसे संगठन, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और आने वाले चुनावों में इंशाल्लाह जो हमें ये गारंटी देगा कि इन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगाने का काम किया जाएगा, उसकी हिमायत की जाएगी। वरना मुसलमान अब मजबूर हो चुका है, अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो चैनल है औरंगाबाद तक, इसको आप आसमान तक पहुंचाइए, 1 मिलियन तक पहुंचाइए, 10 मिलियन तक पहुंचाइए, है ना। और हमारे भाई मेहनत कर रहे हैं, इनकी खास बात यह कि आप तक ये सच पहुंचाते हैं, तो इनकी हिम्मत अफजाई कीजिए। ये अपने वीडियोस पर, अपने चैनल पर नाच भी सकते थे, फालतू के प्रैंक भी कर सकते थे, खूब पैसा कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने एक सही रास्ता चुना कि आप तक सही खबरें पहुंचाए। सपोर्ट कीजिए ऐसे लोगों को, आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छे लोग ज्यादा बढ़ेंगे, है ना। हमारे भाई को औरंगाबाद तक के जो चैनल है, इसको आप खूब, इनके वीडियोज को आप शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, और जब भी ये चैनल सामने आए
तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।